नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आज का सवाल ये है कि बिहार सरकार पता नहीं कौन कौन से गाइडलाइंस निकाल रही है, कैसे कैसे नोटिफिकेशन निकाल रही है। एक तो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप है, सरकारी स्कूल की बात ही करना जो है, मतलब कि क्या कहा जाए, प्राइवेट स्कूल भी बंद है, सरकारी स्कूल तो बंद है ही। शिक्षक जो है वो घर पे बैठे हुए, किसी भी प्रकार का पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले जो है सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ये हिदायत दी जा रही थी कि वो जो है पोलियो ड्रॉप जो होता था उस मिशन में काम करें, उसके बाद कोरोना काल में काम करने के लिए बुलाया गया। लेकिन आज के रिपोर्ट के अनुसार बिहार गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन निकाला है कि गवर्नमेंट सरकार के जितने भी शिक्षक है, सरकारी जितने भी शिक्षक है, वो घूम घूम कर शराबियों को पकड़ेंगे, जो शराब बना रहा है उसको पकड़ेंगे। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जिस तरह से शिक्षक की बहाली की गई है, जैसे एक पहले प्रक्रिया होता था, एक एग्ज़ाम लिया जाता था, रिजल्ट निकलता जो पहले कभी होता था, वर्तमान दौर में जिस तरह से शिक्षक की बहाली की गई है या जो स्तर है, ये तो आज न कल होना ही था। गुरुजी तो वही हैं जो कभी जानवर का गिनती करेंगे, कभी शराबी को पकड़ेंगे, कभी जो सोच जाएंगे उनको कभी देखेंगे। अब यही काम रह गया है गुरुजी का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो है, एजुकेशन सिस्टम का जो ये माहौल है और इसका स्तर इतना क्यों गिर गया? हम अभी पाते हैं कि पहले हम भी मतलब बहुत सालों से, लगभग 25 साल से पढ़ा रहे हैं, जो पहले बैच में लड़के हुआ करते थे, जो उनका लेवल था पढ़ाई का, अभी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया है। और यह गिरावट प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू होता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जिस तरह से टीचर की बहाली हुई है, उनकी आप कभी आप जा करके सरकारी स्कूल में देखिए और कुछ जीके का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन पूछ करके देखिए, जब गुरु जी ही उस लायक नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो जाहिर है कि बच्चे का स्तर निम्न होगा ही और उसका खामियाजा बहुत ऊपर तक भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर अभी लॉकडाउन खोलकर सारे स्कूलों को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं किया जाएगा, तो कुछ समय बाद जो है एक युवा की एक पीढ़ी जो है वो अशिक्षित हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जब मान लिया जाए कि एजुकेशन ही नहीं है तो कोई भी चीज़ का कैसे विकास होगा? मान लिया जाए कि आज सड़क ही अच्छा बनता है कोई भी, तो कोई इंजीनियर ही बनाते हैं, कैसे अच्छा बनेगा? उसके लिए भी एजुकेशन का जरूरत है। दुनिया का कोई भी चीज़ प्रोग्रेस करेगा तो बिना एजुकेशन का कैसे करेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अभी का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से लचीला हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, इसको सही करने का आप क्या उपाय बताना चाहते हैं कि उसको लागू करके जो है एजुकेशन सिस्टम को पहले जैसे बनाया जा सके? हमारे पास एक ताज़ा एग्जाम्पल है, यहीं बगल में जाइए दिल्ली में, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, हम ये नहीं कि उनका सपोर्टर है और अपने गवर्नमेंट का विरोधी है, ये बात नहीं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आज दिल्ली में सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा करके सरकारी स्कूल में लिखवा रहे हैं, आखिर क्यों? उनका विकास हुआ। तो उसी तरह से यहाँ के टीचर को पहले वो ट्रेंड करें, अच्छे टीचर को लाएं। हम तो एक और सलाह देंगे कि जो अगल बगल में जो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, उनका ही एक अच्छा टेस्ट लेकर के उनको ही प्राइवेट तौर से रखें, पहले एजुकेशन का स्तर सुधारें। ज़रूरत हो टीचिंग अथे गुरु जी को अच्छे जगह ट्रेनिंग दे, तो जब तक अच्छा पढ़ाई नहीं होगा तब तक कैसे होगा? सर, एक और मेरे मन में बहुत बढ़िया सवाल आया हुआ है कि सरकार ये कह रही है कि आप जो है वैक्सीन लेकर एग्जाम दे सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लेकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? सरकार का सच पूछिए तो हम ही नहीं करें भाई। हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, बहुत तरह के विकास का काम किए हैं, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर कोई ध्यान नहीं दिए और यही कारण है कि साफ ध्वस्त होते जा रहा है। आज जो एक लेवल है, बहुत लेवल गिर गया है, कहीं से उचित नहीं है। जो लोग पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर फोकस किया जाए, उल्टा उनका टेस्ट लिया जाए बार बार कि आप अपने योग्यता में कितना सुधार किए हैं। वो योग्य होंगे तो बच्चों को जरूर योग्य करेंगे, और उनको एकदम फ्री छोड़ा जाए कि आपका काम है सिर्फ पढ़ाना, उससे बेहतर मुख्यमंत्री जांचते कि आपका सिलेबस कहाँ तक खत्म हुआ है, आप कितना जो है अब तक टॉपिक पढ़ाए हैं,
आपका एग्ज़ाम समय पर बच्चों का हुआ कि नहीं, आपके कितने बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, एक अलग से जो है टीम बनाते जो उनके बच्चों के योग्यता का जांच करते, तो जाहिर है कि गुरुजी पर प्रेशर बनता हुआ और अच्छे पढ़ाने पर ध्यान देते। अब उनका ध्यान जो है ये सब पर जब बढ़ जाएगा तो पढ़ाएंगे क्या, सोचने वाली बात है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बच्चा जो है वैक्सीन लेकर एग्ज़ाम दे सकता है, कहीं आ जा सकता है, लेकिन कोचिंग में अगर वैक्सीन लेकर क्यों नहीं पढ़ सकता, क्या उसको कोचिंग में कोरोना हो जाएगा और बाहर जा रहा है उसे नहीं होगा? ये सब तो फालतू बातें हैं। जब नियम जो है बनाते हैं तो सबके लिए एक तरह का बनाना चाहिए। आज जो है जाइए, हमारे बगल में एक बाज़ार है मीना बाज़ार, तो वहाँ देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, मॉल खुला हुआ है, तो बेकार कैसे किए हैं। सब कोचिंग को भी खोलते, पढ़ने देते, ऐसे ही 3 साल से पढ़ाई लोग का बाधित है, बहुत बाधित हो गया पढ़ाई। बात है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन एक वैकल्पिक सुविधा है, वो परमानेंट सुविधा नहीं हो सकता है। यदि ऑनलाइन से ही आज सब कुछ चल जाता तब तो बेहतर है कि कॉलेज वगैरह सबको कार्यालय बना दिया जाए, सारे स्कूल को कार्यालय बना दिया जाए, लोग घर पर ही बैठ करके ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन तो है इमरजेंसी सुविधा है, लेकिन इनको सब कोचिंग वगैरह खोल देना चाहिए और अति शीघ्र खोल देना चाहिए। सुबोध सर, अभी मैं जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर में जो आंदोलन हुआ है, छात्र आंदोलन हुआ है, ये क्यों हुआ है? चलिए, सबसे मूल कारण है रोज़गार की कमी। कारण तो बहुत सारे हैं कि जैसे NTPC का रिजल्ट टाइम पर नहीं आना, परीक्षा में लेट होना, रिजल्ट कम देना, ये सब तो एक बेसिक कारण है, ये तत्कालिक कारण है। लेकिन ये हंगामा हमेशा चलते रहेगा जब तक कि वैकेंसी टाइम पर ना आएगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। रोज़गार का कमी ही एक मेन कारण है, इसका सारांश यही है। सर आगे मैं जानना चाहता हूँ कि NTPC RRB का जो मामला लेकर छात्र जो है सड़क पे आए हैं, उसके पीछे राज क्या, आखिर में मामला वो क्या है जिसको लेकर छात्र जो है सड़क पर उतर चुके हैं? देखिए, तत्कालिक कारण तो यह है कि रिजल्ट का जो गणना है बोर्ड अलग तरीके से कर रही है और छात्र लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे साधारण भाषा में समझिए, जैसे हम कहते हैं गिनिए A A B B C, तो आप बोले कि आप सर 5 बार बोले, 2 बार ए बोले, 2 बार बी बोले, 1 बार सी बोले। छात्र कहते हैं ना, ये तीन ही है, ए बी सी तीन ही है। इसी का सारा जो है अभी तत्कालिक कारण बना हुआ है। और दूसरा एक और हंगामा हो गया शुरू कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम का तैयारी लोग कर रहे थे, सब लोग जुड़े हुए थे, 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होना था, आयन वक्त पर गवर्नमेंट कहती है भाई एक एग्ज़ाम और लेंगे। अब इसके कारण और जो है आग में घी डाल दिया गया, यही इसी कारण हंगामा ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कि सरकार ने जो पहले रेलवे का एग्ज़ाम होता था वो नॉर्मल होता था, लेकिन उसने क्या किया, लेवल अप कर दिया है। लेवल अप नहीं कही, देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमको 2 एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ग्रुप डी में एक ही एग्ज़ाम, चूँकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम होता था, कुछ फिजिकल भी लिया जाता है और इस पर जो है ये कर देता है। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होता है, आज गवर्नमेंट कह रही है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम रेलवे का है, ये लेने में बहुत परेशानी हो रही है। तो गवर्नमेंट यह बताए पहले क्यों नहीं परेशानी होती थी, पहले इतने लोग फॉर्म क्यों नहीं भरते थे, तो कारण था कि पहले सारा वैकेंसी अप टू डेट होता था। बिहार सरकार का वैकेंसी, स्टेट लेवल का, जो जिस स्टेट के हैं उसका वैकेंसी, बैंक का, तो लोग अपना अपना फील्ड चुन लेते थे, गोल चुनते थे कि हमको बैंक का ही तैयारी करना है, हमको SSC का ही करना है, हमको दरोगा में ही जाना था। आज लोग के पास ऐसा हो कि कोई एक वैकेंसी निकलता है सारे लोग उधर दौड़ पाते हैं। कारण है कि कैलेंडर अपडेट नहीं है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी में कटौती होते जा रहा है। तो जब मोदी जी यह घोषणा किए थे, सारा युवा लोग एकजुट होकर जिताया था, इनसे बहुत आशा रखा था कि हमको रोज़गार मिलेगा, 2 करोड़ रोज़गार देंगे। लोग यह सुन लिया, आज वही मन में बैठाए हुए हैं और वो इच्छा का पूर्ति नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि वो आंदोलन का स्वरूप लेते जा रहा है और ये आगे भी होगा। हम ये नहीं कि जो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन करिए, ये नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद होगा। हाँ, ये शांत कैसे होगा, जब रेगुलर वैकेंसी आ जाएगा।
सर आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि छात्रों का कहना है, बहुत सारे लोगों का ये मत है कि रेलवे में जो कैलेंडर होता है एनटीपीसी का कैलेंडर होता है, एसएससी का कैलेंडर है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और दर्शकों को जरा बताइए कि रेलवे का कैलेंडर, एनटीपीसी का कैलेंडर और एसएससी का कैलेंडर ये है क्या? कैलेंडर अभी तक जो केंद्र सरकार के द्वारा खासकर जैसे यूपीएससी एसएससी है ये लोग अपना कैलेंडर जारी करते हैं, तैयारी करने वाले छात्रों को एक तरह से बता दिया जाता है कि भाई ये पूरे साल में कब कब कौन चीज़ का वैकेंसी आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट होगा, पहले से सेटअप हो जाता है, लोग अपना माइंड सेट कर लेते हैं। लेकिन रेलवे ने आज तक ऐसा नहीं किया, लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप रेगुलर वैकेंसी आएगा इसका आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से अपना मन सेट कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे कि हमको ये तारीख को ये एग्ज़ाम देना है, इसलिए लोग कैलेंडर का डिमांड कर रहे हैं। दूसरा इसके पीछे छात्रों का मंतव्य है कि कैलेंडर जारी हो जाएगा तो सालों साल वैकेंसी आते रहेगा, सरकार के पास यह बहाना नहीं होगा कि हाँ भाई ये जो है अब जो है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। छात्र चाहते हैं कि कैलेंडर आ जाएगा तो हमारा हर साल दर साल वैकेंसी आते रहेगा, हमको जॉब मिलते रहेगा। अगर कैलेंडर को सरकार जो है लागू कर देता है सारे चीज़ में, चाहे वो रेलवे विभाग हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या सेना का हो, किसी भी विभाग का, सबका अगर जारी हो जाता है तो छात्रों को क्या सहूलियत होगी, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबको इसमें फ़ायदा होगा, छात्र बट जाएंगे, जिनको डिफेंस में जाना है वो देखें कि डिफेंस में लगातार वैकेंसी आ रहा है, वो अपना डिफेंस की तरफ गोल सेट करेंगे, जिनको बैंक में जाना है बैंक की तरफ मूव करेंगे, एसएससी में जाना है एसएससी की तरफ मूव करेंगे, जिनको रेलवे में जाना है रेलवे में अपना माइंड सेट करेंगे। आज सरकार को सहूलियत हो जाएगी, ये जो इतना भीड़ हो रहा है एक एग्ज़ाम में वो भीड़ बट जाएगा और आराम से कोई भी एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम लिया जा सकता है, चूँकि भीड़ नहीं होगा और लोगों को नौकरी ज़्यादा मिलने लगेगा, सब कुछ राम राज्य जो है वास्तविकता में इसी से आया जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो अभी के समय में वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है और कुछ चैनल ऐसे जैसे कि एबीपी हो या कुछ और चैनल है, उनका कहना का ये है मतलब है कि सरकार नौकरी न निकाल कर अरबों खरबों की पैसे जो है वो बचा रहा है। चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ऐसे हमारा आपसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, मान लिया जाए कि हमको सोने के महल में रख दिया जाए लेकिन खाने को ना दिया जाए, हमको दूसरा विकल्प है कि हमको टूटा फूटा सड़क, टूटा फूटा मकान ही दे दिया जाए और हमको भर पेट खाना दिया जाए, बोलिए कौन सा विकल्प हमारे लिए अच्छा हो? मैं और हर कोई दूसरा विकल्प ही चूज करेगा। बस यही बात है, आप लाख अपने शहर को चमका दीजिए, लाख रोड बना दीजिए, आप जो है लाख प्रगति करिए, लेकिन आपका जनता युवा यदि भूखा हुआ है तो फिर कैसे होगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ का रहेगा, उसके लिए वो सोने का महल क्या हो करेगा? तो मैंने यही है, रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़गार ही सब कुछ है।